चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौरमंडल का पांचवां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी का एक चौथाई और द्रव्यमान 181 है। चंद्रमा पृथ्वी से 364,400 किलोमीटर की औसत दूरी पर स्थित है। चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां कोई जीवन नहीं है। चंद्रमा की सतह चट्टानों और धूल से ढकी हुई है। चंद्रमा पर कई गड्ढे हैं जो क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के टकराने से बने हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जिससे पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। चंद्रमा का पृथ्वी पर कई प्रभाव हैं। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर समुद्री ज्वार और भाटा का कारण बनती है। चंद्रमा पृथ्वी के मौसम को भी प्रभावित करता है। चंद्रमा मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। प्राचीन काल से लोग चंद्रमा को पूजते रहे हैं। चंद्रमा ने कला, साहित्य और संगीत को प्रेरित किया है। आज चंद्रमा वैज्ञानिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण विषय है। वैज्ञानिक चंद्रमा की उत्पत्ति, संरचना और विकास का अध्ययन कर रहे हैं। वे चंद्रमा पर संभावित जीवन के संकेतों की भी तलाश कर रहे हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक निकटतम खगोलीय पिंड है। यह पृथ्वी के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है।